Assalamualaikum everyone. Welcome back to our channel. This is me Aisha from Corbett System Faisalabad. In this video, we are going to learn the technique of short questions. In the previous video, I've taught you how to find out true, false and not given in the passage and how to locate keywords and how to underline the keywords. Now, in today's video, I will teach you how you can easily find out short questions from the passage. As you can see, this is book 9 and reading passage 1. This is about the William Henry Perkin. You can read the title, William Henry Perkin. So, the man who invented synthetic dyes. Short question ki baat kar lete hain. So, first one, short question is, first you have to see when you are in the exam or you have got a passage. You have to read first thing, that is word count. Here they are asking about two, no more than two words from the passage for each answer. Har answer ke liye aapko do words ka answer hi likhna hai. The first one is before Perkin discovery, with what group? Kehte kis group ke saath in the society? Society ke kis group ke saath was the purple color associate? Purple color jo tha kis group ke saath linked tha ya associate tha? सो अभी हम लोगों ने इसको रीड आउट कर लिया है, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, विद व्हाट ग्रुप इन सोसाइटी, मीन्स हमें सोसाइटी का कोई ग्रुप फाइंड आउट करना है जो जिसके साथ पर्पल कलर एसोसिएट था. तो एज यू कैन सी, हिस्टोरिकली टेक्सटाइल डाइज वाज मेड फ्रॉम सच. यहाँ पर अगर देखते हैं तो indeed the purple color extract from the snail was once so costly that in the society at the time only the rich could afford it. So here you can see ke wo keh rahe hain ke purple color jo tha wo itna zyada costly tha ke society mein only sirf kaun kar sakta tha us time mein, the rich could afford it. To ye kin ke sath tha? ये रिच के साथ है, मीन्स सिर्फ जो रिच थे वो उस टाइम में कर सकते थे अफोर्ड इसको. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट पोटेंशियल, अंडरलाइन करेंगे इसे, ये हमने फाइंड आउट करना है क्योंकि WH फैमिली इसी के साथ है. डिड Perkin इमीडिएटली अंडरस्टैंड, Perkin ने इमीडिएटली अंडरस्टैंड क्या किया कि क्या पोटेंशियल है किस में, हिज न्यू डाई हैड, उसका न्यू डाई जो है वो क्या पोटेंशियल रखता है. पैसेज की तरफ चलते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं. Perkin क्विकली ग्रास्प दैट हिज पर्पल सॉल्यूशन कुड बी यूज्ड टू कलर फैब्रिक, दस मेकिंग इट द वर्ल्ड्स फर्स्ट सिंथेटिक डाई. रियलाइजिंग द इंपॉर्टेंस नाउ ऑफ हिज ब्रेकथ्रू, ही लॉस्ट नो टाइम इन प्रिटेंडिंग, बट इट परहैप्स द मोस्ट फैसिनेटिंग ऑफ ऑल, Perkin रिएक्शन टू हिज फाइंड वाज हिज नियरली इंस्टिंक्ट दैट. ये देखिए, ये हमारा है कीवर्ड, नियरली इंस्टिंक्ट, इंस्टेंट रिकॉग्निशन हुई है उसे. यहाँ वो कह रहा है Perkin इमीडिएटली अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड करना, रिकॉग्नाइज करना, इंस्टेंट इमीडिएटली उसे पता चला दैट के हिज न्यू डाई हैड, न्यू डाई हैड व्हाट कमर्शियल पॉसिबिलिटीज. सो आंसर इसका है कमर्शियल पॉसिबिलिटीज, क्योंकि पूछा गया था व्हाट पोटेंशियल. सो न्यू डाई जो है वो पोटेंशियल क्या रखता था, कमर्शियल पॉसिबिलिटीज थी उसमें, पोटेंशियल थी या पॉसिबिलिटीज थी, सेम थिंग है, सिनोनिम्स यूज किए गए. नंबर 3 जो क्वेश्चन है, मींस क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे है, व्हाट वाज द नेम, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या नाम था फाइनली यूज, जो कि फाइनली यूज किया गया टू रिफर टू द फर्स्ट कलर Perkin इन्वेंटेड. Perkin ने जो फर्स्ट कलर इन्वेंट किया उसके लिए फाइनली नेम क्या यूज किया गया. तो यहीं से पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ Perkin ओरिजिनल नेम इज, ओरिजिनली इब्तदाई तौर पर उसने क्या नाम रखा उसका, Tyrian Purple, बट इट लेटर बिकेम, बाद में ये किस नाम से मशहूर हुआ, इट्स कॉमनली नाउन एज मव. सो मव इज द आंसर, क्या वो पूछ रहे हैं कि फाइनली पर्पल कलर जो उसका जो कलर था जिसको उसने इन्वेंट किया उसका क्या नाम यूज किया गया, फाइनली उसका नेम है मव. पैसे से हमें मिला है. नंबर 11 क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द Perkin कंसल्टेंट, व्हाट वाज द नेम ऑफ द पर्सन, पर्सन का नेम यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है, जिससे कंसल्ट किया है किसने, Perkin ने बिफोर
सेटिंग अप हिज ओन वर्क्स, अपना वर्क स्टार्ट करने से पहले उसने किसी के साथ किसी से लिया सजेशन, तो उस पर्सन का नाम उन्हें फाइंड आउट करना है. तो यही जहाँ से छोड़ा था वहीं से पढ़ना शुरू करते हैं. आस्क पूछा एडवाइस ऑफ स्कॉटिश डाय वर्क्स ओनर रॉबर्ट पोलर्ड, हु अश्योर्ड हिम दैट मैन्युफैक्चरिंग द डाय वुड बी वेल वर्थ इट इफ द कलर रिमेन्ड फास्ट. सो हियर इज एन आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन. रॉबर्ट पोलर्ड मीन्स रॉबर्ट पोलर से उसने अपना बिजनेस स्टार्ट करने से पहले सजेशन लिया पढ़ के. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन व्हाट कंट्री डिड परकिंस न्यूली इन्वेंटेड कलर फर्स्ट बिकेम फैशनेबल, मीन्स व्हाट कंट्री. यहाँ पे हमसे पूछा गया कि वो कौन सी कंट्री थी जिसमें सबसे पहले फैशनेबल बन गया कलर परकिंस ने जो इन्वेंट किया. यहाँ पे देखते हैं किसी कंट्री का नाम है, यहाँ पे हमें किसी कंट्री का नाम नहीं मिला. तो हम सेकेंड की तरफ चलते हैं. सेकेंड में भी आप स्टार्ट से पढ़ना शुरू करें तो देखते हैं. द कंपनी रिसीव्ड अ कमर्शियल बूस्ट फ्रॉम द एम्प्रेस ऑफ द इंडियन ऑफ द फ्रांस व्हेन शी डिसाइडेड अ न्यू कलर फ्लैटर्ड हर. वेरी सून मॉप वाज द नेसेसरी शेड फॉर ऑल द फैशनेबल लेडीज. यहाँ देखिए, यहाँ से हमें मिल रहा है इन दैट कंट्री. किस कंट्री की दैट कंट्री, किसका रेफरेंस दिया जा रहा है? फ्रांस. मीन्स फ्रांस की जब कोई ने कह दिया कि उसको पर्पल कलर फ्लैटर कर रहा है तो जल्दी वो फैशनेबल बन गया सारी लेडीज़ के लिए. इट मीन्स दैट कि फ्रांस इज़ द नेम ऑफ द कंट्री जहाँ पे ये कलर सबसे ज़्यादा फेमस हुआ सबसे पहले. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच डिजीज़. अब यहाँ पे डिजीज़ का पूछा गया है, हमें डिजीज़ को अंडरलाइन करते हैं, हमें डिजीज़ को ही फाइंड आउट करना है पैसेज से. इज़ नाउ बींग टारगेट किया जा रहा है बाय रिसर्चर यूजिंग सिंथेटिक डाइज. सिंथेटिक डाइज को इस्तेमाल करते हुए वो कहता है कौन सी डिजीज़ है जिसको टारगेट आजकल किया जा रहा है. तो हमारे पास लास्ट पैराग्राफ एक बच गया, उसी को पढ़ते हैं, उसी में हमें आंसर होपफुली मिल जाएगा. स्टार्ट में पढ़ते हैं रिसर्चिंग कंटिन्यू कमिस रिसर्च अमंग द डाय अदर डेवलपमेंट इंट्रोड्यूसिंग क्या किया जा रहा है इंट्रोड्यूस. For instance, they were used, what were they using? यहाँ से पढ़ लेते हैं आर्टिफिशियल डाइज कंट्री थी. यहाँ पर इसका क्लोरा क्लोरा के बारे में पढ़ लेते हैं. For instance, they were used to stain the previously invisible microprobes allowing the researchers to identify such. But nowadays की बात हो रही है, आजकल किसका किया जा रहा है. एंड इन वॉट वुड हैव बीन पर्टिकुलरली प्लीजिंग टू परकिन. परकिन के लिए क्या प्लीजिंग होगा? देयर करंट यूज इज द सर्च. इसका करंट यूज आजकल जो टारगेट किया जा रहा है वो क्या है? फॉर अ वैक्सीन अगेंस्ट मलेरिया. सो मलेरिया की वैक्सीन के लिए सिंथेटिक डाइज को आजकल इस्तेमाल किया जा रहा है. सो इस तरह से हम लोगों ने फाइंड आउट करना सीखे शॉर्ट क्वेश्चंस. होपफुली आपके लिए यूजफुल रहा होगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. जल्द अल्लाह हाफिज़.